लेना है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए टू एम्बाइब सिंपल। और आपको ये नहीं है कि आप क्लास 11th के या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको। एम्बाइब की जितनी भी एप्स हैं लाइक एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स, फ्रॉगीपीडिया, एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स, इन सब की एक्सेस आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस बहुत कम है बेटा। आपके लिए अगर हम बात करें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 500 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करता है, और 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 600 रुपीज पर मंथ कॉस्ट करता है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो। क्या भाई, क्या कोड लगाना चाहिए? 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो Achieve20, और 3 मंथ्स के लिए सिर्फ एक ही कोड एप्लीकेबल है Achieve50। और टाइम टू टाइम एमबाई पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आता है, जैसे अभी आया हुआ है योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो बाय यूजिंग कोड योगा30। और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि एमबाई की बुक्स बहुत बढ़िया है, इस तरह से फील देती हैं, देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार लास्ट टॉपिक से बेटा। थोड़ी तबीयत सी खराब थी प्रतिभा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक हम लोग कर चुके थे बेटा। सबसे पहली बात तो हम लोग ग्लोब बताते हैं। ग्लोब कैसे बताया जाता है? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, होमवर्क भी दिया था मैंने, जहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करता है, एंटर करता है वही हमारा ग्लोब होता है। तो यहां से 4 पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास एस ग्लोब का हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास पी ब्लॉक का हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास डी ब्लॉक का हो सकता है, या फिर कोई एलिमेंट हमारे पास एफ ब्लॉक का हो सकता है। चलो भाई, आप लोगों ने ब्लॉक बता दिया। ब्लॉक बताने के बाद आपको इनके ग्रुप बताने होते हैं या पीरियड बताने होते हैं। पीरियड के लिए क्या रूल है? मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ऑफ एस सबशेल इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में एस सबशेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा बेटा? इज पीरियड। ग्रुप कैसे बताते हैं? ग्रुप का हर एक के लिए अलग अलग रूल है। अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस सबशेल वही ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन इन एनपी प्लस 12 डी ब्लॉक के लिए, इलेक्ट्रॉन इन एनएस प्लस एन माइनस 1d सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, है ना? और के लिए हमेशा की हमेशा कौन सा होगा भैया? थर्ड ग्रुप होगा। ठीक है बेटा, ये रूल थे, ये हम लोग कर चुके हैं रिसेंट क्लास में। अब इनको स्पीडली अप्लाई कर देते हैं, है ना? एक दो एग्जांपल करते हैं सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। नंबर वन, जैसे कि मैंने आपको बोला पोटेशियम है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, आपको इसका ग्रुप
ब्लॉक पीरियड बताना है। चाहो तो खुद से ट्राई कर लेते हो, या फिर पहला क्वेश्चन है इसको मैं करवा देता हूँ। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। सबसे पहले आप लोग ब्लॉक बताते हो बेटा, ब्लॉक कैसे पता चलता है, इनमें द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो ये हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात आप लोगों से पूछा जाएगा इसका ग्रुप एंड पीरियड। पीरियड कैसे पता चलेगा बेटा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एस सब सेल का, एस सब सेल का जो सबसे बड़ा एन है ना। अब देखिए यहां पर अगर आप देखो तो ये 1 है, यहां पर देखो तो 2 है, यहां पर देखो तो 3 है, यहां पर देखो तो 4 है। एस का सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, 4, तो इसका 4th पीरियड हो जाए। ग्रुप की बात करो, ग्रुप कैसे पता चलता है भाई, आप देखो यहां से आपने पीरियड बताया ना, एस की सबसे बड़ी शेल से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है एक्चुअल वाली। 4s में 1 है तो एस के लिए क्या रूल है, इलेक्ट्रॉन इन एनएस सब शेल, एस की सबसे बड़ी सब शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक है इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहां पर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ही हो जाएगा। बेटा जी ये लास्ट क्लास में कर चुके हैं, प्रतिभा बेटा डोंट वरी, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होगा नहीं, अच्छे से ही करवाया जा रहा है ठीक है। इसके बाद आ जाओ एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, जैसे कि मैंने बोल दिया सल्फर है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए बेटा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, यही है ना, 2 2 4 6 10 2 12 4 16। हाँ कॉन्फ़िगरेशन कहां से स्टार्ट होती है, जो एस का सबसे बड़ा नंबर है ना वहां से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पूछा जाएगा बताओ इसका ब्लॉक क्या है, बताओ इसका ग्रुप क्या है, बताओ इसका पीरियड क्या है, तो बताइए इसका ब्लॉक क्या है। ब्लॉक कैसे पता चलता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो बेटा जी ये हमारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगली चीज आपसे पूछी जाएगी इसका ग्रुप क्या है या पीरियड क्या है। पीरियड कैसे पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एस, एस सब शेल का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 है, 2 है या 3 है, ऑब्वियसली ये 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड पीरियड। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की, ग्रुप कैसे पता चलता है बेटा, ग्रुप के लिए पहले हमें ब्लॉक पता होना चाहिए, हमें पता है पी ब्लॉक का है इलेक्ट्रॉन इन एनपी प्लस 12, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और उसमें 12 ऐड कर दोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा इसका 16th ग्रुप। क्लियर है बात की नहीं, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, ना चाहो तब भी ट्राई कर ही लो। मैंगनीज जिसका एटॉमिक नंबर है 25, ट्राई कीजिए। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा जी। देखिए मैगनीज इसका एटॉमिक नंबर है बेटा जी
25 कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ठीक है। दो दो चार छह दस दो बारह छह अठारह दो बीस और पांच 25 मेन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कहां से होती है जो इसका सबसे बड़ा नंबर है वहां से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है। ये है तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा भाई इसका बेटा, ये हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा टी ब्लॉक का। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका पीरियड, पीरियड क्या होगा बेटा जिसका, आप देखो तो एस का सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4th पीरियड होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका ग्रुप, ग्रुप कभी भी अगर आपको बताना है तो पहले आपको ब्लॉक देखना पड़ेगा और ब्लॉक के बाद आपको रूल देखना पड़ेगा। ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है। क्या रूल है, इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस एन माइनस वन डी सबशेल, एन एस के इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन। एन एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो बेटा जी यहां पर ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 7th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। क्लियर है बेटा, यस और नो, नोट कीजिए जल्दी से। आई थिंक नोट कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं, ये पॉइंट हमने पढ़ा है पहले बट मुझे ऐसी फील आती है कि ये आप लोगों को समझ में शायद ना भी आया हो, सर ग्रुप में थोड़ी दिक्कत आ रही है। निखिल भाई, अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो जितने इलेक्ट्रॉन एस में होंगे वही ग्रुप, अगर कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो पी के इलेक्ट्रॉन प्लस 12, अगर कोई डी का एलिमेंट है तो डी के इलेक्ट्रॉन और उसमें बाजू वाले एस के इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दो, ये है। और एफ ब्लॉक कभी पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया तो हमेशा उसका 3rd ग्रुप ही होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं, एफिनिटी मीन्स होता है लव, कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए लव कर रहा है, हो सकता है लव पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, देखो यार हर कोई लाइफ में चाहता है स्टेबिलिटी, आप लोग अभी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सो दैट कि फ्यूचर स्टेबल हो जाए, हर कोई इसके लिए मेहनत करता है, ठीक है। सेम गोज विद एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि मेरे पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और उसके लिए मेरे को जितने एफर्ट लगाने लगाऊंगा, है ना। तो मान के चलो आपने कभी ना कभी सुना होगा केमिस्ट्री में एक ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ एक की कमी है तो वो कोशिश करेगा कि यार मैं ना एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और उसके बदले मुझे जो देना पड़े मैं दे दूंगा। तो क्या होता है कि एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बदले में एनर्जी रिलीज करते हैं मोस्टली, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए यूनिनेगेटिव आयन, इसका
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे एक्स नाम का एक एलिमेंट है, उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां पर कुछ ना कुछ हीट चेंज होगा, इस हीट चेंज को हम लोग बोलेंगे ईए, बोले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा से बताता हूं, दो तरह की प्रोसेस पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है बेटा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसे कहा जाता है? एक्सोथर्मिक इन विच हीट इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब मेन बात यह है बेटा, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच हीट चेंज जो होती है वो नेगेटिव होती है, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैसे तो मैं बोलूंगा इसको याद रख लो, एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर आएगा हमारा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होता है, या फिर ज्यादा फोर्स करोगे तो आजकल मैं बता ही दूंगा। ठीक है, याद रखिए एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है, इसके बड़े सीन बनते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कीजिए, नोट किया बेटा? चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा बेटा, इतना प्रोसेस था नहीं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कुछ सेम पॉइंट बेटा जी हम लोगों ने पढ़े थे, सेम पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे, दोबारा सुना देता हूँ बेटा, दोबारा सुना देता हूँ, सेम पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे किस केस में, आयनाइजेशन एनर्जी वाले केस में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लव, कि कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन से लव कर रहा है। अब अगर वो लव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लेगा अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, और अट्रैक्शन होगी उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी। आप लोगों ने यही लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो हीट रिलीज होती है, और उस हीट को, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो जैसे ये है, ये एक एटम है और दूसरा हमारे पास ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम हर केस में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम हमेशा होता है बेटा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के जितना ज्यादा पास होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर आजू बाजू पास पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, डिस्टेंस बढ़ गया तो कम अट्रैक्शन होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर मान के चलो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस 9, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस 8, तो ऑब्वियसली बात है भाई कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम है किसका, पॉजिटिव चार्ज का, है ना। वो उतना जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, बात सिंपल है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है आप लोगों को कि नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने समझाया था कि बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, है ना, एक स्क्रीन अराइज हो जाती है, एक शील्ड अराइज हो जाती है, तो ये जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का अंदर जाना मुश्किल, और मुश्किल तो एनर्जी कम। तीसरा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एलिमेंट है स्टेबल होना चाहता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, बट अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है, किसी के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है और हम उसको कहते हैं तो हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बेटा उसको दिक्कत होगी, तो बोलेगा क्या कर रहे हो यार, ये मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है पूरे जितने मुझे चाहिए, बट हम फिर भी कह रहे हैं ले, तो वो नहीं लेगा, ऐसे केस में अट्रैक्शन नहीं होती। क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से। भाई कमेंट कर दिया करो यार, एक तो हमारी क्लास में ऑलरेडी बच्चे कम होते हैं और जितने होते हैं वो भी रिप्लाई नहीं करते, दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई कर दिया करो कमेंट, नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे एक एटम है एक्स, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
यहाँ पर एनर्जी चेंज होगा उसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, फिर जो एनर्जी चेंज आया उसको बोलेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, क्या जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या बन रहा है भाई, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, हीट चेंज कह लीजिए या फिर एनर्जी चेंज कह लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट चेंज एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, बार बार इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहला फिर दूसरा, सर ये डेल्टा एन वाला बता दीजिए। निखिल भाई डेल्टा एन नहीं है, वो डेल्टा एन नहीं था, ये मेरी राइटिंग सुंदर है, ये डेल्टा एच है। चलो भाई ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं इस पेज पे। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, दो प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, जिनमें हीट क्या होती है बेटा, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक किसे कहते हैं भाई, दो प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब, है ना। अब समझने वाली बात क्या है, कभी भी हीट रिलीज कब हो सकती है, बताइए। जैसे कि मुझे कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, बताओ कब एनर्जी रिलीज हो सकती है। मान के चलो कि रिएक्टेंट की एनर्जी है 200, प्रोडक्ट की एनर्जी है 100। रिएक्टेंट के पास, खुद के पास एनर्जी 200 है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो 100 एनर्जी बचेगी वही रिलीज होगी, है ना। और डेल्टा एच कभी भी निकालते हैं, डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, चेंज कभी भी निकालना जाता है वो निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में माइनस स्टार्टिंग में। लास्ट में कितनी एनर्जी की जरूरत थी, 100, और हमारे पास कितनी एनर्जी थी, 200। तो यहाँ पर माइनस 100 एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज हो गई। एक्सोथर्मिक में डेल्टा क्या आया, नेगेटिव आया। एंडोथर्मिक पे आ जाओ, रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मान के चलो रिएक्टेंट की एनर्जी है 200, प्रोडक्ट की एनर्जी है 300। भैया जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी तभी तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी, वरना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तभी तो उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, एब्जॉर्ब तभी होती है ना भाई, कम पड़ रही है मेरे पास तो एनर्जी। मान के चलो अभी मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, मुझे 15 प्रो मैक्स लेना है। 14 प्रो मैक्स की वैल्यू मान के चलो मार्केट में लग गई 70,000,
ठीक है, अब 15 आएगा मान के चलो 110 का, 1,10,000 का, तो मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मैं अब्जॉर्ब करूंगा, मैं मांगूंगा किसी किसी से, या मान के चलो मुझे 12 प्रो मैक्स लेना है या 13 प्रो मैक्स लेना है, 14 प्रो मैक्स मेरे पास, मुझे 13 प्रो मैक्स लेना है, मेरे वाले की वैल्यू 70 लगी तो, और 13 प्रो मैक्स मान लेते हैं 50,000 का है, तो मेरे पास 20 एक्स्ट्रा है, उस 20 की मैं पार्टी करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट, समझ रहे हो ना भाई, कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो वहां पर उस केस में रिलीज हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, डेल्टा एफ निकाल लेंगे, कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 300 माइनस 200, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 100। मैंने भी तो आपको यही बताया था कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उसमें जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर डेल्टा एच क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, बात समझ में आनी चाहिए, जल्दी से नोट कीजिए, पॉइंट क्लियर है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एनर्जी अब जो बोल रही, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, वेरिएशन इन ग्रुप। इसमें बहुत एक्सेप्शन है बेटा, बहुत एक्सेप्शन है। चलो ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, और डिक्रीज क्यों होगी बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन इन पीरियड, बताइए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में बेटा लेफ्ट राइट में भी मूव करते हैं, इन अ पीरियड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और क्यों इंक्रीज होगी, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझा होगा, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, लेफ्ट राइट जाते हैं साइज डिक्रीज हुआ करता है, तो साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नोट, आई होप आप समझ रहे हैं। इसके एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा कल,
और कल पक्का हम लोग ऑन टाइम मिलेगी, क्लियर है? तो चलिए दैट्स ऑल, इससे आगे वो किया जाएगा कल, ख्याल रखिए बेटा। और यस, एम्बाइब की सबसे बढ़िया ऐप एम्बाइब वीएलई, मोस्ट एडवांस वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस हर एक बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए। डेली आपको एक एक एक्सपेरिमेंट जरूर देखना चाहिए, पूरा 3D में फील करो। स्कूल में एक्सपेरिमेंट इतना समझ में नहीं आएंगे जितना आपको यहाँ पे समझ में आए। चलिए बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।